जो रूहानी इलाज करते हैं या रूहानी इलाज सीखना चाहते हैं वो रूहानी शख्सियत की सोहबत इख्तियार करें, उनसे तरबियत हासिल करें। यहाँ एक दो मरीज हैं जिसकी मैं हाँ जिसके बारे में यहाँ बयान करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे साथी मरीज जो है वो कुरैशी साहब हैं, आगे में बैठे हैं। वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने बहुत सी रिपोर्टें करवाई हुई थी, उनके एहसास आ गए थे, उनको खाया नहीं जाता था, उनसे उनके वजन पाँव में वजन महसूस होता था, दो दो मन का पाँव महसूस होता था, उनसे चला नहीं जाता था। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनको जैसी तरबियत की हुई थी हमारी हमारे कायद जनाब सूफी मसूदा नसरीकी साहब ने, हमने उनका इलाज किया तो अल्लाह पाक ने उनको शफा अता की। इसी तरह हमारे पास एक बच्ची आई, यह इकरार मेरे पास है, उनका इकरार बच्ची है उम्र 13 साल। वो जब हमारे पास आई वो बिल्कुल अंधी थी, उसकी कमर कमान की तरह थी और उसका रूहानी इलाज शुरू किया। अब अल्लाह के फजल से वो दो नंबर की ऐनक के साथ बिल्कुल ठीक है, स्कूल जा रही है, पेपर दे रही है। इसी तरह ये मेरे पास मरीजों की लिस्ट है, शहजाद साहब है, दिलुकार साहब है, रिफत बंदा साहब है, जिजान जिशान की वाला साहब है, रबीना साहब है, ये सब इसी हाल में अल्लाह पाक के फजल करम से सुभान के साथ मौजूद हैं। शुक्रिया तो जिनके नाम नहीं लिए जा सके वक़्त की किल्लत के बाइस और जिनके इजारे ख्याल का मौका नहीं मिला क्योंकि टाइम बहुत शार्प था, फिर तक जरा सूफी मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब अजमेर जो फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं। मेरी मिसेस तकरीबन 2 साल पहले सूफी से गई, जबकि मेरा उस फैमिली से तलक है, पंजाब एक्सपोर्ट रोड के मसनफी जो मैच है पंजाब एक्सपोर्ट रोड का जो पाकिस्तान में तकरीबन वो कराया जाता है वो मेरे अंकल हैं। मेरे दूसरे अंकल डॉक्टर हैं आदि, मेरी छोटी मशीन अभी थी डॉक्टर, वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखती थी रूहानियत पर। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी मिसेज सीढ़ियों से गिर गई और उसके दूध जोड़ बिल्कुल नकारा हुआ। मुख्तलिफ डॉक्टर को चेक कराया लेकिन उन्होंने डॉक्टर महमूद फैसलाबाद में सर्जन है उनका इतला दी। मैं उनके पास चेक कराने के लिए गया तो उन्होंने ये कहा कि ये टेस्ट ले के आओ, ये टेस्ट मेरे पास है, बोन स्किन, ये बोन स्किन का टेस्ट है मेरे पास और दूसरी तमाम बॉडी के टेस्ट है। उस डॉक्टर ने टेस्ट देखने के बाद ये कहा कि वो नेशनल हॉस्पिटल का पंजाब है, उसने कहा कि इसे एक्सरे रूम में ले गया। वो डॉक्टर ने एक्सरे रूम में खुद गया और उस मरीज का एक्सरे लिया जो मेरी मिसेज, उसने कहा कि मुझे अपने वो असिस्टेंट है उस पर यकीन नहीं है क्योंकि उसके बाद बोन स्किन थी। उसने उसका टेस्ट लिया और देने के बाद जब वो अपने क्लिनिक में आया तो उसने मुझे ये कहा कि आप इस मरीज को वापस लें, इसका इलाज कीजिए क्योंकि इनका जोड़ बिल्कुल खत्म है, उसके अंदर रिक्शा पट चुका है। मैं यहीं अपने घर उस मरीज को मैं अपने घर ले आया। घर आने के 15 दिन के अंदर अंदर मेरी छोटी मशीन जो है इसे फिजिकल थेरापी के पास ले जाए, एक्सरसाइज करवाते हैं, शायद इससे फर्क पड़ा। इसी तरह उन्होंने अपने उस्ताद डॉक्टर मसूद चौधरी जो हड्डियों के हैं फैसलाबाद में स्पेशल डॉक्टर, उनके पास मुझे रख दिया मेरी छोटी मशीन, उन्हें कहा कि उसके पास नहीं। उसने मुझे 5,000 का सुबह इंजेक्शन लगता था, 5,000 का सेकेंड 10,000 तक का इंजेक्शन लगाता था, उसने उसका इलाज करने को 3 बार किया। मेरा 4-5 लाख लगने के बाद उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि इसका इलाज नहीं, जबकि मेरी फैमिली तमाम ऐसे मसले से तलक रखती थी जिसका रूहानियत के साथ कोई जाना। वो इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अब मैंने उन्हें कहा कि ये अब ऐसा करेगा, आप पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप उन्हें किस मरीज को चाइना लेके जाना है। मैं मेरे भाई छोटे जो चाइना में बीजिंग में फील्स करते हैं, मैंने उनसे टेलीफोन किया, उसने कहा कि मरीजों को भेजने से पहले इस जो टेस्ट करवाए हैं इसको भेजो मेरे पास, उसके बाद मैं डॉक्टर को मशवरा करने के बाद ये बताऊंगा कि इस मरीज को आना है या नहीं आना। उन्होंने मैंने ये चैनी जुबान में ये टेस्ट करवाए, यहाँ पर उनकी रिपोर्टें ली
वो उनको भेजी। उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि आप इसका इलाज नहीं है कहो तो मैं अपने मुर्शिद के पास ले जाऊँ। उन्होंने कहा कि आप अपने पीर मुर्शिद साहब के साथ ले जाइए। मैं अपने मुर्शिद के पास आया तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि इसका इलाज तजवीज करते हैं। आपने उसी वक्त दम किया तसरफ किया और तसरफ के दौरान ही उसकी तकरीबन 50% दर्द खत्म हो गया। आपने ये तजवीज की और मुझे दे दिया। रात को आकर जब एक दूसरे से मामले जा रही थी उसने फरमाया कि आप सही होना चाहती हैं जो लसानी सरकार ने आपको इलाज तजवीज किया है उस पर अमल करें। वो क्या था? वो सलातो सलाम ने का याद सुनता सलातो सलाम ने का याद सुनता सलातो सलाम ने का याद किया। जबकि वो मनवा थी उस्ताद थी दूसरे मसले के प्रिंसिपल भी थी टीचर भी थी वो इस बातों पर यकीन नहीं रखती। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब बीमारी का जो इलाज मेरे मुर्शिद ने किया अब वही करवाद अदा करती है उनसे। और यहाँ ये मुझे बताया गया है कि 30 शहरों से लोग यहाँ चीज लाए हुए हैं और अपना इंतजार करना चाहते थे और मरीज जो थे वो ये खुद बताना चाहते थे कि हम कितनी बीमारियों में बताते शफा याब हो चुके हैं। वो आपके सामने ये तशरीफ फरमा है और हम देख सकते हैं इसके जरिए माशाल्लाह बड़े बड़े काबिल डॉक्टर साहबा हम शायद भी तशरीफ फरमा रहे हैं। वो भी कुछ याद करना चाहते थे एक एक बात जो है वो फरमाते जाए तो मेरे ख्याल में वो जल्दी से बात ये की है कि ये चीज़ ये रूहानी खैर था है और रहेगा। और जो लोग स्कूल में हैं या जो लोग नौजमिला इसको गलत समझ रहे हैं या समझते ही नहीं ये उनके लिए उनको फिक्र करनी चाहिए अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहिए। हमारा मकसद ये था दरअसल कि ये इंसानियत की खिदमत का ये बेहतरीन तरीका है। एक बंदा जब इंतहाई मायूसी की हालत में बीमारी की हालत में खड़ा होता है तो कोई काम नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर साहबान या हुकमा या हमें देखें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं उनसे मशवरा लेते हैं। हमें उसका इलम नहीं है वो हमें बताते हैं कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करें ये मेडिसिन इस्तेमाल करें ऐसे हमें उनका नीचे नीचे और सही होती है क्योंकि वो दूसरा बंदा नहीं जानता वो सबसे ज़्यादा जानता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको इस इल्म से नवाजा है उनके पास जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। मसाइल हर एक के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वसीला बनाया है वो मुसब्बुब अस्बाब है सबब इंसान ही है। एक सीधी सी मिसाल है कि अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी खाने पीने की ये थोड़ा सा एक क्योंकि दूसरे मसाले भी मेरे पास आते रहती हैं और मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई मामूली सी ये बातें हैं जिनको ये बहुत हम खींच कर ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मसलन एक बंदा कहता है जी नहीं जी आप सीधा अल्लाह से मांगे या अल्लाह ही है बस अल्लाह ही अल्लाह हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है तो मैं कहता हूँ कि कोई मुसलमान इसे इनकार नहीं कर सकता वो तो है ही तो अल्लाह है रहा और सब उसकी मखलूक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया और तमाम अंबिया कराम को भी बनाया